हेलो दोस्तों, आज हमारी टीम जा रही है आदि कैलाश और टीम तैयार है बिल्कुल अपने बाइकों पर। और बिल्कुल देख सकते हैं आप अपना सामान लेके सारे जो राइडर्स हैं वो तैयार हैं। हम तीन चार बंदे हैं जो मिस कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, लेकिन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। और आओ बात करते हैं लाडी भाई से, क्या इनका प्रोग्राम है। तो भाई कैसा है, क्या प्रोग्राम है आज का? ऐसा है कि हम सब लोग जा रहे हैं आदि कैलाश चौहान पर्वत। तो आज हम टाइम थोड़ा लेट हो गया, पहले प्लानिंग थी सुबह 6 बजे की, बट अभी थोड़ा लेट हो गया, 2 बज गए हैं। तो यहाँ से क्या प्लान है आपका, कहाँ स्टे करोगे? आज हम करेंगे स्टे, कोशिश होगी कि हम हरिद्वार रुकें। तो ये हमारे सारे भाई आए हैं, हमें विश करने आए हैं कि यात्रा हमारी मंगल में रहे। और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी पूरी यात्रा हमारी देखना, लाइक और सब्सक्राइब करना। विश करने भी आए हैं और थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को हाइक करें ताकि नेक्स्ट टाइम हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो और हम सभी जाएँ तो मैं पहले राइडर से मिलवा देता जो लोग जा रहे हैं। ऋषि ये आप काफ़ी ब्लॉग में हमारे साथ हैं। गौरी ये भी होते हैं हमारे साथ, बिट्टू पाजी कह रहे हैं, और ये एक बंदा मिस्सर, बाकी हमारे भाई हैं सारे, ये सब इस तरफ भी खड़े हैं। लाइक जरूर करें हमारी, ये हमारे बाल भाई, ये बाल भाई जो मनी मिस्ट की यात्रा करो जूम करो। साहब ये एक दिक्कत आ गई है, मेरी टैंकी थी लीक, मुझे पता नहीं चला। और ये देखो तेल कैसे निकल रहा है टैंकी में से, इसको यहीं से रिपेयर करना पड़ेगा। क्रॉस किया और बाइक का जो टंकी थी वो ज़्यादा लीक करनी शुरू कर दी, पेट्रोल बहुत निकल रहा था, तो रिपेयर करवा लिया। भाई हादसा हो गया एक और, कि हमारा एक और बाइक, मेरे भाई का ही बाइक है, अब उसकी टंकी लीक कर रही है। ये जहाँ मैंने फिंगर रखी है ना, ये यहाँ से लीक कर रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है। और रात के 9:15 हो चुके हैं, हम तो ऐसे ही पंप पे तेल डलवाने के लिए रुके थे, पता नहीं अभी कौन कौन सी मुश्किल आएगी। तो क्या पता बोले शंकर को क्या मंजूर है, दो बंदों को भेजा है आगे, मार्केट आई यहाँ से किलोमीटर आधा किलोमीटर आगे, कि कुछ एमसील वगैरह लेके आए और फिर हम इसको बांधेंगे या इसको यहाँ पे इसको सील करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या बनता है, अब ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि ये सारा पेट्रोल इंजन के ऊपर गिर रहा है अभी। तो ये दिखा रहा हूँ, यहाँ से देखो टंकी लीक कर गई है और पेट्रोल देखना कितनी तेज़ निकलेगा, ये देखो दिख रहा है, ये डेंजर भी हो सकता है। और यहाँ पे अभी तो फिंगर रख के रोका है, तो लड़कों को भेजा है आगे, देखते हैं क्या चीज़ लेके आते हैं और कैसे इसको रोकने की कोशिश करते हैं। बंद कर दो ऋषि, बंद करी, ऊपर बंद कर। देखो हमारा बाइक का ट्रीटमेंट चल रहा है, ये दो भाई गए थे, एक तो हमारे बड़े भैया गए थे, एक छोटे भाई गए थे, ये भी लेके आए एमसील, अब ये लेके आए हैं, इससे हम कवर करेंगे इसको। यहाँ से पेट्रोल लीक कर रहा है, पहले टंकी खाली करेंगे फिर साथ में एमसील लगाएंगे।
तो ये होती है प्रॉब्लम जब हम बाइक को काफ़ी दिनों के लिए नहीं चलाते हैं और उसके बाद फिर हम चलाना शुरू करते हैं एकदम से, तो ये प्रॉब्लम आ रही है अब हमें। देखो रात के 9:30 हो गए हैं, तो हमारा प्लान था कि हम 10-11 बजे तक पहुँच जाएंगे हरिद्वार, बट अभी लगता है कि 12-1 बज जाएंगे हमें, क्योंकि अभी हम यमुनानगर के पास हैं। तो करते हैं, हम रुड़की से कम 20 किलोमीटर पीछे हैं और ये ढाबे पे हम रुके हैं खाना खाने के लिए, भूख लगी थी तो ये हमारे बाइक लगे हैं पीछे, तो अब खाना खा के तो हम फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। तो प्लीज़ यार, अगर आपको ये इस बार मैं कुछ नई वीडियो, यानी हम जा रहे हैं आदि कैलाश, तो वहाँ जाकर हम बनाएंगे सारी आपको आदि कैलाश की दर्शन करवाएंगे जैसे बाकी करवाता रहता हूँ मैं, तो साथ देना जैसे आपने बाकी वीडियो को साथ दिया है मेरा, इस बार भी साथ देना। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना यार, आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे हौसला मिल रहा है। आपने सब्सक्राइब किया तो मुझे इतना हौसला मिला कि मैंने बाइक उठाया और अपने भाइयों को तैयार किया और यहाँ आदि कैलाश के लिए इनको बड़ी मेहनतों से मना लिया मैंने। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना हमारी, तो मैं पूरे रास्ते की भी वीडियो बनाऊँगा, पूरे रास्ते की वीडियो भी बनाऊँगा, तो आपको ये भी देख के प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। बिट्टू भाजी कर रहे हैं अपना बैग ठीक, तो ये रेड बाइक बिट्टू भाजी का, दूसरा रेड बाइक मेरा है, और ये वाइट पल्सर गोरी का है, वो ब्लैक पल्सर ऋषि का, और ये एक हमें कपल मिले हैं जो पीछे उनको परेशान कर रहे थे लोग, तो बेचारे बोल रहे कि हम आपके साथ थोड़ा चल जाएं। तो पीछे रास्ते में हम हस्बैंड वाइफ को देख के काफ़ी जो गंदे किस्म के लोग होते हैं ना वो उनको गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे, तो ये इनको हमने बोला कि ऐसे सेफ्टी भी रहेगी, चलो हमारे साथ आप हरिद्वार तक चल सकते हो। तो आज की हम हरिद्वार जाके अपनी स्टे करने वाले हैं, तो वहाँ करेंगे। टाइम 1:30 बज चुका है रात के, तो अभी हम पहुँचे हैं हमारे रूम, सही बैठ सकते हैं, दो बंदे यहाँ, दो बंदे यहाँ सोएंगे और एक बंदा यहाँ सोएगा, ठीक ठाक ही है। ये वाला होटल लिया है जो मेन रोड से थोड़ी दूर है, सामने मेन रोड है और ये हमारा होटल है। हम बैग वगैरह खोल रहे हैं, 1:30 बज चुके हैं अभी हम यहाँ पहुँचे, देखते हैं। पीछे वाला हमारा होटल है, सब अपने अपने बैग खोल रहे हैं और फिर रूम में जाएंगे सोने, तो मिलते हैं फिर कल आपको। अगर ये आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। प्लीज हमने ले लिया रूम, अब हम आराम से यहाँ सोएंगे और फिर सुबह निकलेंगे हम धारचूला के लिए, तो सफ़र थोड़ा लंबा है, अभी भी हम लंबा सफ़र करके आए हैं, दोपहर 3 बजे निकले थे और यहाँ पहुँचे हैं 1:30 बजे, अब सुबह 5-6 बजे हम यहाँ से मूव कर जाएंगे धारचूला के लिए, तो दर्शन आपको कराएंगे। तो बाकी हमारे साथी अभी सोने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बने रहिए इस पूरे ब्लॉग में, ये पहला ब्लॉग है आदि कैलाश का, पूरे सफ़र का हम आपको जितना भी हमसे बन सके वीडियो हमने बनाई है, तो बाकी आगे जाके हम बनाएंगे। ऋषि गोरी बिट्टू भाजी आ तो रहे हैं, ठीक है, तो
मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं सुबह आपसे फिर से एक बार। बम बम बोले।